हेलो दोस्तों, तो अभी मैं हूँ बंदरनायका एयरपोर्ट कोलंबो में और मैं एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ और इमिग्रेशन करा लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, जो कि आपने थंबनेल और कैप्शन दिखा होगा वैसा ही वीडियो है ये कुछ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ओके दबाना है, फिर आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जो कि मैं चूज़ करूँगा इंग्लिश। इसके बाद जाना है आपको अप्लाई पे और एक और विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आई एग्री पर जाना है एंड कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप अगर अपने खुद के लिए कर रहे हो तो अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल कर दीजिए। एक फॉर्म खुलेगा छोटा सा, उसमें भरना है आपको नेम, टाइटल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ और पासपोर्ट कुछ डिटेल्स हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर जब आप अराइव कर रहे हो श्रीलंका में तब आप वो डाल दो। पर्पस ऑफ विजिट आपका रहेगा साइट सीइंग इन हॉलीडे, पोर्ट ऑफ डिपार्चर कोलंबो, अगर आप वहाँ फ्लाइट जा रही है आपकी तो, एंड एयरलाइन नंबर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वीज़ा प्रोसेस इस समय श्रीलंका में बहुत आसान है और अभी मैं इमिग्रेशन करा लिया हूँ, तो मैं कुछ बताऊँगा, टिप्स दूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, जैसे कि आपके साथ भी एकदम स्मूथ इमिग्रेशन हो। तो मेरे साथ हुआ कैसे कि मैं आया और मेरे से उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बोला नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, सीधे पासपोर्ट लिया और उस पर स्टैम्प नहीं कि स्टिकर होता है, और ये डबल एंट्री वीज़ा है और स्टिकर था ये जो दिख रहा है, ये स्टिकर लगा दिया इन्होंने बस, और कुछ नहीं देखा। तो ये मैंने कैसे भरा था? तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, एक होता है कि आप पहले से भर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। तो जो पहले से भरते हैं वो ETA बोलते हैं उसको, और उन्होंने फ्री कर दिया है। पहले तो $20 लगता था, बट इस साल अप्रैल में थोड़ा सा बम ब्लास्ट हुए थे श्रीलंका में, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से टूरिज़म बहुत कम हुआ, तो टूरिज़म को ग्रो करने के लिए शायद गवर्नमेंट ने किया है ऐसा। तो करना कुछ नहीं है, मैं लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ जाइए और फॉर्म भर दीजिए। 2 मिनट का फॉर्म है, हार्डली 2 मिनट लगेगा और एक मेल आ जाएगा 5 मिनट के अंदर, और उसको प्रिंट आउट भी नहीं कराना है, फ़ोन में बस रखे रहिए। और आपके पास होना क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 महीने की वैलिडिटी हो जिसमें, और वो ETA का जो ईमेल आएगा आपके उसमें, जो आप फॉर्म भरोगे उसके बाद ईमेल जो आएगा आप वो रखे रहना बस। और एक कोई भी हॉस्टल की बुकिंग कर लेना, जैसे कि एड्रेस लिखना हो कहीं पर, तो उन सब चीज़ के लिए। और इसमें बैंक स्टेटमेंट भी कुछ नहीं चाहिए, जैसे बोलते ना कि आपको फ़ंड दिखाना है कि कितना रुपए लाए कुछ लाए, तो ये सब भी नहीं पूछा मुझसे। वैसे मैं तो अपने साथ डेबिट कार्ड लाया था अपना और कैश लाया था, कुछ डॉलर्स लाए थे, तो कुछ भी उन्होंने पूछा नहीं, जबकि उसमें लिखा था कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे रहोगे, एक्सपेंसेस कहाँ खर्च करोगे, क्या करोगे, तो वो भी कुछ नहीं पूछा। तो ओवरऑल कुछ नहीं लगेगा, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं। हाँ, आने जाने का टिकट, रिटर्न टिकट होना चाहिए, ये तो कंपलसरी होता है कहीं पर भी, तो इतना ही चाहिए, 1 रुपये नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, बहुत आसान है। और फ्लाइट में एक अराइवल फॉर्म देंगे, उसमें वही आपका नाम और एड्रेस जहाँ आप रहोगे वो डाल देना पास। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पता चला इससे इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं और आप लोग वो मिस नहीं करना चाहोगे। श्रीलंका पे भी आ रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ पे भी आएंगे और इंडिया के अंदर भी आएंगे। तो अब मैं इसी के साथ बंद करता हूँ वीडियो को, बाय बाय।